रायपुर से खबर आ रही है, सीएम साय का चुनाव अभियान लगातार जारी है। आज चार सभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें, बेमित्रा मनेन्द्रगढ़ रायपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बेमित्रा के नवागढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं मनेन्द्रगढ़ के खड़गवा में जनसभा करते नजर आएंगे। रायपुर के सारागांव गुड़ियारी में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, और चार जगह जनसभा करेंगे। और ऐसे में लगातार जो आखिरी चरण है उसके लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। दो चरणों का प्रचार, दो चरणों का मतदान निपट चुका है और अब तीसरे और आखिरी चरण के लिए तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी पूरी कोशिश में है कि 11 के 11 सीटें जीते, लेकिन उधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। वैसे में देखना यह होगा कि ये जो कोशिशें हैं किसकी कोशिशें रंग लाती। फिलहाल तो आज सीएम विष्णुदेव साय के चार जनसभाएं, चार जगह वो सभाएं करते हुए नजर आएंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो बिल्कुल, मिशन 11 के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई बेमित्रा, मनेन्द्रगढ़ और रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जनसभा है, जहां बेमित्रा के नवागढ़ में चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे। मनेन्द्रगढ़ के खड़गवा में जनसभा करेंगे। वहीं रायपुर के सारागांव और गुड़ियारी में भी सभा को संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी। हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और स्टार प्रचारक भी हैं बीजेपी के। चलिए, अधिक जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश निषाद लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज चार जनसभाएं करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी और कितनी महत्वपूर्ण ये सभाएं तीसरे चरण के मद्देनजर? देखिए, बिल्कुल बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अगर पूरे लोकसभा की हम बात करें चुनाव के दौरान की, तो करीब 60 सभाओं को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर चुके हैं। ये तमाम 11 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत जो आने वाली जो 60 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब तक जा चुके हैं। लेकिन आज की हम बात करें तो देखिए, आज बेमेतरा जिले का आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दौरा करेंगे और वहां जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मनेन्द्रगढ़ जिले के लिए रवाना होंगे। मनेन्द्रगढ़ में भी एक चुनावी सभा है, उस सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर लौटेंगे और रायपुर में, चूंकि देखिए रायपुर लोकसभा क्षेत्र के दो विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की चुनावी सभा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धरसीवा विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, जहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, चूंकि इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में दौरा नहीं हुआ था। तो ऐसे में आज बेहद ही धरसीवा विधान सभा क्षेत्र का भी दौरा काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर शहर के अंदर जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है वहां के गुड़ियारी इलाके में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देर शाम बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पे जो तीसरे चरण का जो मतदान होना है उसकी तैयारी में पूरी तरह से बीजेपी जुटी हुई है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अलग अलग क्षेत्रों में दौरा हो रहा है और चुनावी सभा के माध्यम से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की जो कोशिश है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर, बहुत शुक्रिया राजेश, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और आज चार महत्वपूर्ण जनसभाएं मुख्यमंत्री करने वाले हैं। हालांकि देखना होगा कि अब अपने संबोधन में किन किन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री की ओर से किया जाता है।